गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में अपन ने जिस टॉपिक पे बात की थी वो टॉपिक अपना था बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट में अपन ने लास्ट क्लास में जहां तक डिस्कस किया था वो टॉपिक अपना था वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। तो वेस्ट मैनेजमेंट प्लान में अपन ने क्या क्या चीज़ें की थी। सबसे पहला काम किया था अपन ने सॉर्टिंग, हैंडलिंग, इंटरनल स्टोरेज, सब डिस्पोजल एंड फाइनल डिस्पोजल। प्रीवियस में अपन ने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी उसके बारे में एक बार अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सभी स्टूडेंट इन टॉपिक्स को साथ साथ अपनी नोटबुक में प्रिपेयर कर लें, जो कि आपकी जिस टाइम पे क्लासेज होंगी उस टाइम पे आपका यह वर्क जो है होमवर्क के रूप में चेक किया जाएगा। तो एक बार अपन वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के से पहले जो अपन ने डिस्कस किया था जो अपना बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, बायोमेडिकल वेस्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बारे में बाद में अपन ने बायोमेडिकल वेस्ट की डेफिनेशन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल कब बना, इसके बाद कैटेगरीज कौन सी हैं बायोमेडिकल वेस्ट की, बायोमेडिकल वेस्ट की कितनी कैटेगरी हैं, 10 कैटेगरीज हैं, वेस्ट मैनेजमेंट प्लान क्या है, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। अब जो अपन पढ़ेंगे वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा सेग्रीगेशन इन कलर कोडिंग बैग। इंट्रोडक्शन की अगर अपन बात करते हैं तो बायोमेडिकल केयर जो है वो क्या है, वाइटल पार्ट है किसका, अपनी हेल्थ का और अपनी लाइफ का। क्या है, मेडिकल केयर का जो है वो एक वाइटल पार्ट होता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। क्यों होता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अपनी हेल्थ और जो अपनी लाइफ है उसका एक पार्ट क्यों माना गया है, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, एक रियल प्रॉब्लम है। कहाँ पे है, सपने सभी के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ भी है, जो हेल्थ वर्कर है उनके साथ भी है, और उनसे क्या है ये इन्वायरमेंट में भी इफेक्ट डालती है। क्यों डालती है, कैसे डालती है, अगर अपन इस चैन को समझने की कोशिश करें तो कोई भी हेल्थ वर्कर है वो क्या है, कहाँ पे काम करता है, हॉस्पिटल में काम करेगा, किसी भी रिसर्च सेंटर में काम करेगा, वहाँ से क्या करेगा, अगर वहाँ पे प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेज नहीं हो पा रहा है तो वहाँ से क्या होगा, वो कोई ना कोई जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स के जर्म्स जो हैं वो वहाँ से क्या है वो लेके आएगा, और लेके आएगा तो कहाँ पे लेके जाएगा, वो अपनी कम्युनिटी में लेके जाएगा, और कम्युनिटी में ले जाने के बाद क्या होगा, कम्युनिटी से कहाँ पे फैलेगा, वो इन्वायरमेंट में फैलेगा। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या रहेगा कि अगर अपन बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो अपने को मैनेजमेंट किस हिसाब से करना है। तो सबसे पहला पॉइंट अपना क्या होगा, सेफ होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। नेक्स्ट अपना कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, यानी कि अपने कम से कम खर्चे में और सेफ और साइंटिफिक तरीके से अपन क्या है अपने बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में अपने को पढ़ना होता है। बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, द वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, रिसर्च, प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और फॉर ह्यूमन और एनिमल्स। यानी कि वेस्ट कहाँ से जनरेट हो रहा है, कोई भी अपन डायग्नोसिस कर रहे हैं वहाँ से क्या है कोई भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, अपन कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से क्या है बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। अपन किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं वहाँ से क्या है जो अपना बायोमेडिकल वेस्ट है वो क्या है जनरेट हो रहा है। किसी भी चीज़ पे अपन क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, हो सकता है वो ह्यूमन बॉडी हो कोई या अपन किसी एनिमल पर रिसर्च कर रहे हैं, तो सभी के अंदर क्या होगा बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होगा। बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट वो होता है जो हॉस्पिटल वेस्ट है, अपन इसको हॉस्पिटल वेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो क्या है किसी भी टाइप का हो सकता है, वो इन्फेक्शियस भी हो सकता है और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकता है, बट जो हॉस्पिटल से जो निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है वो कौन सा होता है अपना बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि केमिकल भी हो सकते हैं, ड्रग्स भी हो सकते हैं, ड्रग्स आपकी केमिकल सॉरी सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती हैं और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है, अपने को बायोमेडिकल वेस्ट की
मैनेजमेंट करने की नीड क्यों है? क्यों है? क्योंकि अपने को जो ह्यूमन बॉडी है, मैन है, जो पर्सन है, वहां से कम्युनिटी और कम्युनिटी से इन्वायरमेंट में जो जाने की जो चैन है उसको तोड़ने के लिए अपने को क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। सेकंड क्या है, जो भी अपनी मेडिसिन है उनको डिस्कार्ड करके अपन क्या करेंगे, दोबारा से रीजनरेशन की डिकम्पोज करने के बाद जो अब दोबारा से कंपोजिशन की प्रोसेस है वो अपनी फाइनल प्रोसेस होने के बाद से ही अपन क्या है दोबारा से कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट अपना आता है मैनेजमेंट जो है वो क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर अपन बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेज नहीं करेंगे तो जो अपना इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा। तो वहां से क्या है, अपनी एयर भी इफेक्ट होगी, वाटर भी इफेक्ट होगा, मिट्टी में भी होगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों से क्या है अपनी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर अपनी जो मिट्टी है उसके अंदर अगर पोल्यूशन हो गया तो क्या होगा, अपन जो भी खेती करते हैं वो क्या होगा, वहां से अपने क्या मिलेगा, कोई ना कोई बैक्टीरिया, कोई ना कोई वायरस, कोई ना कोई जर्म्स, सारी की सारी चीजें अपने को वहां से इजीली मिल जाएंगी, ठीक है। पानी है, पानी अपन क्या है ड्रिंकिंग वाटर जो है, अगर उसके अंदर अगर अपना हॉस्पिटल का वेस्ट डाल दिया और अगर अपने वो घर में सप्लाई में आ गया तो क्या होगा, अपन सभी के सभी बीमार हो जाएंगे। इसलिए क्या है अपने को मैनेजमेंट करना जरूरी है। बायोमेडिकल मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट का रूल कब बना था, 1998 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, वेस्ट मैनेजमेंट का रूल बनाया था और 2000 में इसको लागू किया गया था। ये सभी अथॉरिटी ऑर्डर ऑफ द ऑल हॉस्पिटल टू द स्टॉप द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इंश्योर दैट इज ट्रीटेड इन सच मैनर दैट इट डज नॉट हार्म टू एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। यानी कि सभी को आदेश दिया गया कि जो भी वेस्ट है उसको क्या करेंगे, वो प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल करेंगे जिससे कि अपनी इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ पे कोई भी गलत इफेक्ट नहीं आए। सेकंड क्या था कि जहां से जनरेट होता है उसी पॉइंट से अपने को क्या करना है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है कलेक्ट करना, वहीं से अपने को क्या करना है कलेक्ट करना है। वो दीज रूल अप्लाई टू ऑल पर्सन हु जनरेट कलेक्ट रिसीव स्टोर ट्रांसपोर्ट रीड डिस्पोज और हैंडल बायोमेडिकल वेस्ट इज एनी फॉर्म इंक्लूडिंग ए हॉस्पिटल नर्सिंग होम क्लिनिकल डिस्पेंसरी वेटनरी इंस्टीट्यूट एंड एनिमल हाउस। यानी कि जहां से भी जनरेट होता है वहीं से क्या है अपने को क्या करना है, उसको वहीं से प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेशन करके उसको अपने को मैनेज करना है। जो WHO ने जो एस्टिमेट बनाया था उसके अंदर क्या था, 75% से 90% तक क्या था नॉन रिस्क वेस्ट था, जिससे क्या है कि अपनी ह्यूमन हेल्थ को रिस्क कम है, और 10 से 25% क्या है वो रिस्क वेस्ट के, इन्होंने दो कैटेगरी बनाई, नॉन रिस्क वेस्ट जो वेस्ट था वो इन्होंने बताया 75 से 90% तक, और जो रिस्क वेस्ट बताया है वो बताया है 10 से 25%। इसके अंदर क्या है 85% जो है वो क्या है हॉस्पिटल वेस्ट है, 10% क्या है इन्फेक्शियस है, और 5% क्या है नॉन इन्फेक्शियस है। ये WHO का एस्टिमेट बनाया हुआ है। इसके बाद कैटेगरी जो बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट की क्या है 10 कैटेगरीज बनाई गई हैं, और इन 10 कैटेगरीज के हिसाब से क्या किया है, जो आपका हॉस्पिटल का जो जो भी हॉस्पिटल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल आता है उसको 10 कैटेगरीज में डिवाइड करके अपने को क्या करना है मैनेज करना होता है। सबसे पहला अपना आता है कैटेगरी फर्स्ट। कैटेगरी फर्स्ट के अंदर क्या है, कोई भी ह्यूमन एनाटॉमिकल जो वेस्ट है वो किस में आएगा, आपका कैटेगरी फर्स्ट में आएगा। कैटेगरी सेकेंड में क्या आएगा, जो भी आपका एनिमल वेस्ट है वो किस में आएगा, कैटेगरी सेकेंड के अंदर आएगा। कैटेगरी थर्ड के अंदर क्या आएगा, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जो वेस्ट है, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री लैब से जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, अपना कैटेगरी थर्ड में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट अपना है शार्प। कैटेगरी फोर्थ के अंदर जो भी शार्प जो भी नुकुली जो भी चीजें हैं वो किस में आएंगी, कैटेगरी फोर्थ में आ जाएंगी। कैटेगरी फाइव में क्या आएंगी, जो भी डिस्कार्ड मेडिसिन है साइकोटॉक्सिक ड्रग्स जो हैं वो क्या है अपने कैटेगरी फाइव में ली इन्होंने। कैटेगरी सिक्स में इन्होंने सॉलिड वेस्ट लिया, कैटेगरी सेवन में भी सॉलिड वेस्ट लिया है। कैटेगरी एट जो है उसके अंदर क्या लिया है,
अपना जो लिक्विड वेस्ट है वो किस में आएगा, कैटेगरी एट में आएगा। कैटेगरी नाइन्थ में क्या आएगा, इंसिनरेशन एस, यानी कि जलाने के बाद, किसी भी चीज को जलाने के बाद जो भी एस बचती है उसको इन्होंने लिया है कैटेगरी नाइन्थ में लिया है। कैटेगरी टेन में क्या लिया है, केमिकल वेस्ट लिया है। ये अपनी क्या है, टेन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है इसको। इसके बाद अपना आज का जो टॉपिक है वो कहाँ से स्टार्ट है, अपना वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। तो वेस्ट मैनेजमेंट में क्या है, अपने को सॉर्टिंग करनी है, हैंडलिंग करनी है, इंटरनल स्टोरेज करना है, सब डिस्पोजल करना है और उसको फाइनल डिस्पोजल करना है। ये अपना आज का टॉपिक है। तो सेग्रीगेशन करने के लिए क्या किया WHO ने, कलर कोडिंग बनाई। कलर कोडिंग में क्या किया, बैग बनाए और बैग के हिसाब से इन्होंने कलर कोडिंग की। कलर कोडिंग में क्या है, चार कलर के बैग बनाए। सबसे पहला बैग अपना बनाया येलो बैग, सेकंड बनाया रेड बैग, थर्ड बनाया ब्लू बैग, फोर्थ बनाया अपना ब्लैक बैग। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, प्लास्टिक बैग है, पंचर प्रूफ बैग है। ठीक है, येलो बैग के अंदर क्या आएगा, जो भी इन्फेक्शियस वेस्ट है। ठीक है, कौन से उसमें बैंडेज हो सकता है, ठीक है, गोज पीस हो सकते हैं, कॉटन पीस हो सकते हैं, ठीक है, और कोई भी अपनी ह्यूमन बॉडी का पार्ट हो सकता है, ठीक है, प्लेसेंटा हो सकता है, कोई भी बॉडी फ्लूड से रिलेटेड जो भी स्वाब्स वगैरह हैं वो सारे के सारे किसमें आएंगे, अपने येलो बैग के अंदर आएंगे। सेकेंड पॉइंट अब इन्होंने अपना बनाया रेड बैग। रेड बैग में क्या आएगा, जो भी प्लास्टिक का वेस्ट जो है, ठीक है, जो भी प्लास्टिक का जो वेस्ट है सच है, जैसे कि कैथेटर, इंजेक्शंस, सीरिंज, ठीक है, सीरिंज का कौन सा, निडल के अलावा जो पार्ट है, ठीक है, वो ट्यूब, आईवी बॉटल्स, ये सारे के सारे किस में आएंगे, अपनी रेड बैग में आएंगी। ठीक है, थर्ड अपना आता है ब्लू बैग। ब्लू बैग के अंदर क्या है, जितना भी शार्प जो है वो सारा का सारा किस में आएगा, अपना ब्लू बैग में आएगा। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ ग्लास बॉटल्स, ब्रोकन ग्लास आर्टिकल्स, आउटडेटेड एंड डिस्कार्ड मेडिसिन, ये सारे के सारे अपन किस में आएंगी, ब्लू बैग में आएंगी। नेक्स्ट अपना अपना है ब्लैक बैग। ब्लैक बैग में क्या है, विदाउट सीरिंज, विदाउट सॉरी विदाउट निडल की जो सीरिंज जो है, ठीक है, वो सारे ये किस में आएंगे, अपनी ब्लैक बैग में आ जाएंगे। ठीक है, येलो, रेड, ब्लू और ब्लैक, चार टाइप के बैग हो गए। फर्स्ट में अपना इन्फेक्शियस वेस्ट आ जाएगा, बैंडेज आ जाएंगे, गोज पीस आ जाएंगे, कॉटन पैड आ जाएंगे, ठीक है, और अपनी बॉडी से कनेक्टेड जो भी बॉडी फ्लूड हैं वो के जो भी बॉडी फ्लूड से रिलेटेड जो भी स्वाब वगैरह वो सारे अपने किस में आएंगे, येलो बैग में आ जाएंगे। प्लेसेंटा आ जाएगा, रेड बैग में अपना प्लास्टिक वेस्ट आ जाएगा, कैथेटर हो गए, इंजेक्शन हो गए, सिरिंज हो गए, ट्यूबिंग हो गई, बॉटल्स हो गए, यानी कि ब्लड का जो भी, ब्लड में काम में लेने के बाद जो भी बचा वो अपना रेड बैग में आ गया। ब्लू के अंदर क्या क्या, ग्लास बॉटल है, ग्लास के आर्टिकल्स हैं, मेडिसिन्स हैं, ग्लास बॉटल्स की जो मेडिसिन है, इंजेक्शंस, जो इंजेक्शन के बाद जो ग्लास मटेरियल बचा वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, ब्लू बैग में आ जाएगा। ब्लैक में क्या है, जो ब्लड के संपर्क में नहीं आई वो विदाउट निडल सिरिंज वो आ जाएंगी। ठीक है, और अपनी मेटल के आर्टिकल्स आ जाएंगे, ये किस में आएंगे, अपने ब्लैक बैग में आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है कलर कोडिंग एंड टाइप ऑफ कंटेनर फॉर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। कलर कोड के हिसाब से, यानी कि अपन ने जो पीछे चार कलर कोड पढ़े उनके हिसाब से जो कंटेनर थे उनको क्या करना है, अपने को डिस्पोजल करना है। उनके अंदर जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको क्या करना है, अपने को डिस्पोजल करना है। तो येलो बैग जो है वो किस टाइप का बैग होता है, अपना सबसे पहले कलर कोडिंग हो गई अपनी, टाइप ऑफ कंटेनर हो गया, वेस्ट कैटेगरी हो गई, ट्रीटमेंट एंड ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो जो येलो जो है, येलो के अंदर जो बैग है वो किस टाइप का है, प्लास्टिक बैग होगा। उसके अंदर कौन सी कैटेगरी आएंगी अपनी, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकेंड, कैटेगरी थर्ड, कैटेगरी सिक्स। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इंसिनरेशन एंड डीप बरियर। ठीक है, जला देंगे और उसको गहरा गड्ढा खोद के डाल देंगे। रेड जो है अपना वो किस टाइप का होगा, डिसइंफेक्टेड कंटेनर होगा, प्लास्टिक का बैग होगा। इसके अंदर अपन कैटेगरी लेंगे थर्ड, सिक्स और सेवन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना है ऑटोक्लेव। इसको अपन ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसका जो रेड बैग है उसका ऑटोक्लेविंग के थ्रू कर लेंगे, माइक्रोवेव के थ्रू करेंगे और उसका केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे।
नेक्स्ट जो अपना है ब्लू है, वो ब्लू और व्हाइट दो टाइप के बैग हैं ये। ये पंचर प्रूफ कंटेनर होते हैं, इनके अंदर अपन कैटेगरी 4 एंड 7 टाइप की जो कैटेगरी है वो इसके अंदर अपन डालते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ऑटोक्लेविंग करेंगे, माइक्रोवेविंग करेंगे, ठीक है, केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे। ब्लैक जो बैग है वो प्लास्टिक बैग होगा, इसके अंदर अपन कैटेगरी 5, 9 और 10 की वेस्ट कैटेगरी अब आएंगी। और इसको कैसे करेंगे, लैंड फिलिंग के थ्रू। लैंड फिलिंग के थ्रू क्या है, डिस्पोजल इन सिक्योर लैंड फिलिंग, यानी कि अपन गहरा गड्ढा खोद के और इसको डाल देंगे। ये अपना क्या है, ट्रीटमेंट होगा इसका। तो अपनी जो कैटेगरी, जो अपना जो बैग है येलो कलर का बैग जो है, इसमें अपन ने कैटेगरी है अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सिक्स। तो फर्स्ट कैटेगरी अपनी कौन सी थी, ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट जो था, ठीक है, ह्यूमन का जो एनाटॉमिकल वेस्ट था, सॉरी, ह्यूमन बॉडी का जो भी एनाटॉमिकल वेस्ट था, यानी ह्यूमन बॉडी का कोई भी पार्ट था, वो किस में आ रहा है अपना, येलो बैग में आएगा, ठीक है। सेकंड, येलो बैग के अंदर अपना सेकंड कैटेगरी कौन सी थी, एनाटॉमिकल वेस्ट, वो किस में आएगा अपना, येलो बैग में आ जाएगा। थर्ड अपनी कौन सी थी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, वो किस में आ जाएगा, कैटेगरी थर्ड में आ जाएगा। और कैटेगरी सिक्स के अंदर क्या है अपना, सॉलिड वेस्ट है। तो सॉलिड वेस्ट में कौन सी चीजें आएंगी अपनी, सॉलिड वेस्ट के अंदर बैंडेज, गोज, कॉटन, ठीक है, ये सारी की सारी अपनी किस में आएंगी, येलो बैग में आ जाएंगी। इसके बाद अपनी आती है रेड, रेड के अंदर क्या है, कैटेगरी थर्ड, कैटेगरी थर्ड के अंदर क्या आएगा अपनी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। मैं इसके अंदर कौन से पार्ट होंगे, यानी कि ब्लड से जो भी कनेक्ट हो गया, जैसे कि कोई भी ट्यूबिंग हो गई, ठीक है, लैब के अंदर क्या लिया आपने, सीरिंज काम में ली ब्लड की, वो किस में आएगी, रेड के अंदर आएगी, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर कैटेगरी अपनी कौन सी है, सॉलिड वेस्ट। 6 और 7 क्या है, दोनों सॉलिड है। ब्लू में और रेड में क्या डिफरेंस रहेगा, अपने को मेन चीज क्या देखनी है, क्योंकि दोनों में सॉलिड दे रखा है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, इन दोनों में डिफरेंस ये रहेगा कि जो सीरिंज जो पार्ट है, ठीक है, वो किस में जाएगा आपका, ब्लू में चला जाएगा, और बाकी रिमेनिंग जो ब्लड का संपर्क का जो भी मटेरियल था, वो किस में चला जाएगा, रेड बैग में चला जाएगा। ये इनमें अपना डिफरेंस रहेगा। ब्लैक में क्या रहेगा अपना, कैटेगरी 5 कौन सी थी अपनी, कैटेगरी 5 अपनी थी डिस्कार्ड मेडिसिन थी, ठीक है, और अपनी एस जो है वो, और 10 नंबर में अपना केमिकल वेस्ट। केमिकल के अंदर जो भी लिक्विड पार्ट है, जो भी लिक्विड पार्ट है वो क्या होगा, हॉस्पिटल ड्रेनेज के अंदर अपना डायरेक्टली ड्रेनेज हो जाएगा, और जो अपना सॉलिड केमिकल जो है वो क्या होगा, अपन कैटेगरी जो अपनी ब्लैक बैग की जो कैटेगरी है उसके अंदर अपन डाल के उसको मैनेज कर लेंगे। ये क्या है अपना, वेस्ट मैनेजमेंट का एक छोटा सा चार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट अपना आएगा प्रॉपर लेबलिंग ऑफ बीन्स, यानी कि जो भी अपने डस्टबिन जो है उन पे क्या करना है, अपने को प्रॉपर लेबलिंग करनी है, जिससे क्या होगा, लेबलिंग करने से अपने को ये पता चल जाएगा कि ये एक तो कौन से हॉस्पिटल से आया है, ठीक है, और किस टाइप का वेस्ट है, जिससे कि अपने को डिस्कार्ड करने में हेल्प रहेगी। तो इसमें क्या करना है, बायोहजार्ड सैंपल्स लगाने हैं, ठीक है, सैंपल, बायोहजार्ड सैंपल लगाने के बाद क्या होगा कि हर किसी को ये पता रहेगा कि इसके अंदर क्या है, कोई ना कोई इन्फेक्शियस मटेरियल है, ठीक है। लेबल जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए अपने, नॉन वॉशेबल होने चाहिए, ठीक है, और इजीली विजुलाइज हो जाए, यानी कि ये नहीं हो कि अपन दो जैसे डस्टबिन को साफ करें और साफ करते हैं वो लेबल है वो क्लियर हो जाए, ऐसा अपना नहीं होना चाहिए। ये अपने 4 टाइप के बैग हैं, इन सब पे लेबलिंग कर रखी है, इसके अंदर सबके अंदर बीन डस्टबिन के अंदर क्या है, कचरा डाल रखा है, जिससे कि इजीली केयर हो जाती है इनकी, इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना था बायोजार्ड सैंपल कौन से हैं, ये बायोजार्ड सैंपल हैं, एक बार आप देख लो, ये जो COVID-19 है, COVID-19 भी क्या है, एक चैन की डिजीज है,
जिससे क्या है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के कॉन्टेक्ट में आने से ये डिजीज फैल रही है। यानी कि किसी भी पर्सन के अपन संपर्क में आए, ठीक है, उससे अपन ने क्या करेंगे, संपर्क में आने के बाद उससे अपन ने जर्म्स लिए, जर्म्स लेने के बाद क्या होगा, वो किसी भी दूसरे पर्सन से उसने संपर्क किया, उसके अंदर वो जाएंगे, जिससे वो कम्युनिटी में फैल रहे, और ये इस हिसाब से ये क्या है, महामारी का इसने रूप ले लिया। ये कीमोथेरेपी का सैंपल है, ये साइकोटॉक्सिक का है, और ये अपने बायोहजार्ड्स के सैंपल्स हैं। इनको देखने से अपने को ये पता चल जाएगा कि जो भी है, जो भी वेस्ट है, वो क्या है, किसी न किसी हॉस्पिटल का वेस्ट है, ठीक है, और इन्फेक्शियस वेस्ट है। नेक्स्ट अपना आता है पर्सनल सेफ्टी डिवाइसेस। पर्सनल सेफ्टी डिवाइसेस का मतलब क्या है, अपने को खुद को प्रोटेक्ट होने के लिए कौन सी डिवाइसेस चाहिए, अपने क्या करना चाहिए, प्रॉपर प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपर अपने को पहनने चाहिए, जिससे क्या है, अपनी एक तो खुद की सेफ्टी रहेगी, खुद की सेफ्टी ऐसे रहेगी कि अपने को ये नहीं पता कौन सी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से बिन में है, हो सकता है वो अपन ने ब्लैक बैग में डाले उनमें भी हो सकती है। तो अपने को क्या है, हमेशा खुद के बचाव के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो है वो यूज में लेने चाहिए। गॉगल्स हो गए, ठीक है, रेस्पिरेटरी के लिए हो गए, रेस्पिरेटरी के लिए क्या करना है अपने को, सर्जिकल मास्क जो है N95 जो है वो पहनना चाहिए अपने को, ठीक है, जिससे अपना फुल मास्क का वो कवर हो जाए। हैंड के लिए अपने क्या है, ग्लव्स पहनने चाहिए, फुली कवर होने लेके अपने को क्या है, ड्रेस पहननी चाहिए। स्किन के प्रोटेक्शन के लिए कॉटन पॉलिस्टर फ्रेम। आई के लिए अपने को गॉगल्स पहननी चाहिए, सारी की सारी क्या है अपने को पहननी चाहिए। इसका मीन्स क्या है, हेड टू टॉय अपने को क्या है, फुली कवर रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर क्या है, स्टोर जहां पे कर रहे हो वहां पे केवल और केवल ऑथराइज्ड पर्सन जो है वही जाने चाहिए वहां पे। ये नहीं है कि वहां पे हर कोई पर्सन जा रहा है तो हर कोई जाएगा तो क्या होगा, वहां से कोई ना कोई जम्स लेके आएगा। वो स्टोर जो किया आपने उसको 48 आवर्स से ज्यादा टाइम तक आपको स्टोर करके नहीं रखना है। इसके बाद अपना पॉइंट आता है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन के अपने के लिए क्या चाहिए, ट्रॉली या कंटेनर, ठीक है, और ऐसे अपने को कैरेट ओनली व्हीकल ऑथराइज फॉर द पर्पज, यानी कि इसी पर्पज के लिए अपने को काम में लेने के लिए कुछ ट्रॉलियों के सिंबल दिखाए हुए हैं, ये इनको अपने को काम में लेने चाहिए, जिससे क्या है एक जगह से दूसरी जगह पे अपन जो अपना वेस्ट है उसको एक जगह से दूसरी जगह से अपन ट्रांसपोर्ट कर सके। ये इजीली क्लीन हो जाने चाहिए, शार्प नहीं होने चाहिए, इजीली लोड अनलोड हो जाने चाहिए, इन चीजों का अपने को क्या है ध्यान रखना होता है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या करना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है अपने को फुली कवर्ड व्हीकल को काम में लेना चाहिए। फुली कवर्ड व्हीकल को काम में लेने से क्या बेनिफिट है, क्योंकि अगर अपन फुली व्हीकल को काम में लेंगे कवर्ड को, तो उसमें क्या है अपने को एक जगह से दूसरी जगह में जो अपना मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल है उसको ले जाने में अपने को आसानी रहेगी। ये नहीं रहेगा कि अपन लेके जा रहे हैं और वो कहीं गिर गया, ठीक है, जो सरफेस है उसकी वो स्मूथ होनी चाहिए। स्मूथ इसलिए होनी चाहिए कि जो आपके जो बैग है वो ऐसे नहीं हो कि वहाँ पे कोई भी शार्प चीज़ से बने हो, जिससे क्या है वो जो बैग्स हैं वो टियर हो जाए, यानी कि जो बैग्स हैं वो फट जाएंगे तो वो क्या है अपना सारा कचरा मिक्स हो जाएगा, जो अपन ने मेहनत की वो सारी की सारी अपनी खराब हो जाएगी। जो अपनी व्हीकल है उस पर क्या है प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए कि ये बायोहजार्ड्स जो हैं सबस्टांस लेके जा रहे हैं, ठीक है, और वो अगर स्टील की बनी हुई बॉडी रहती है, ठीक है,
उसकी जो सरफेस है वो स्टेनलेस स्टील की रहती है, तो क्या है वो इजीली वॉश हो जाती है और उसमें जंग वगैरह आने के चांसेस नहीं रहते। जंग वगैरह आने से क्या है कि जो प्लास्टिक के जो अपने बैग्स हैं वो क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। तो इन चीज़ों को अपने को क्या है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना कि उसको अपन डिकम्पोज कैसे करते हैं। इंसिनरेशन एंड नॉन इंसिनरेशन दो टाइप की ये प्रोसेस होती है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में इस पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और ये सारे की सारी जो चीजें बताई हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको आपकी जो डेली रूटीन की जो लाइफ है उसमें भी क्या है लागू करनी है। और सेकंड, ये जो नोट्स जो बनवाए जा रहे हैं इन नोट्स को आप प्रॉपर जो अपनी नोटबुक है उनमें प्रिपेयर करें, जिससे क्या है कि आपको पढ़ाई में आसानी रहेगी।